हरिओम आप सभी को। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ योगिनी शिखा गुप्ता और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवाय योग में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हार्ट अटैक, जी हाँ, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो एकदम से ही हार्ट अटैक नहीं आता है। हार्ट अटैक जब भी आता है तो उससे पहले वो आपको कुछ सिम्टम्स देता है, यानी कि वो कुछ ऐसे लक्षण आपके शरीर में उत्पन्न होते हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपके हार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आज आपको हार्ट अटैक के कुछ लक्षण बताने जा रही हूँ। अगर आपके शरीर में ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, अगर आपको दिखाई देते हैं, तो ज़रूर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला जो लक्षण है वो है इनरेगुलर हार्ट बीट। जी हाँ, देखिए जब हम कोई काम करते हैं तो सामान्य है कि हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ेगी ही। अगर हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, बैठे ही हैं, तो कभी कभी हमारी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। तो ये एक कारण होता है, एक लक्षण होता है कि आपके हार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। साथ ही सेकेंड जो है सिम्टम है वो क्या है कि आपके जो हाथ पैर हैं वो बिल्कुल ठंडे रहते हैं। देखिए सर्दियों में क्या होता है कि नॉर्मली जो सबके हाथ पैर होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ पैर हमेशा ही ठंडे रहते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये भी क्या होता है जो आपके हार्ट अटैक का एक मुख्य रीज़न होता है कि आपके जो हाथ पैर हैं वो ठंडे पड़े रहते हैं। साथ ही जो तीसरा जो लक्षण है वो होता है आपके सीने में दर्द। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको सीने में दर्द होता है या आपके आसपास किन्हीं लोगों को सीने में दर्द होता है, तो ये एक मुख्य कारण है कि आपको हार्ट से संबंधित परेशानी हो रही है। और ये सीने में दर्द, मैं आपको बता दूं, अगर 12 से 2 के बीच रात्रि को होता है, रात को होता है, तो समझ जाइए हार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्यों रात में ही क्यों? क्यों देखिए क्या होता है कि जो हमारा जो हार्ट होता है वो रात में ज़्यादा एक्टिव होता है, वो रात में ज़्यादा वर्क करता है। तो इसलिए ही आपने देखा होगा कि जब भी मोस्टली जो हार्ट अटैक आते हैं वो रात के समय में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो हमारा हार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये तीसरा रीज़न है, तीसरा मैंने आपको सिम्टम बताया कि अगर सीने में दर्द होता है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। साथ ही चौथा क्या है कि आपको क्या करना है, देखिए तीन कारण मैंने आपको बता दिए, अगर इनमें से कुछ भी आपको नज़र अगर आता है आपकी बॉडी में, शरीर में, तो आपको कंसल्ट करना है। चौथा आपको थकान और कमजोरी। देखिए अगर हम कुछ खाते नहीं हैं, अगर न्यूट्रिशन कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो नॉर्मल है कि थकान और कमजोरी होगा। लेकिन अब अगर आप सही डाइट ले रहे हैं, आप अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं, खान पान का बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं, उसके बाद भी आपके शरीर में थकान रहती है, कमजोरी रहती है, तो ये भी एक कारण है कि आपके हार्ट में कोई दिक्कत बन रही है। अगर ये चारों सिम्टम्स आपको अपने शरीर में दिखाई देते हैं तो अवश्य ही आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। साथ ही मैं आपको कुछ नुस्खे बता रही हूँ जो बहुत कारगर है। तो आपको क्या करना है कि अर्जुन की छाल होती है उसका काढ़ा बनाना है आपको। तो ये जो अर्जुन की छाल होती है ये आपके हृदय को ताकत देती है, आपका जो हृदय है ये मजबूत होता है। अर्जुन की छाल का जो काढ़ा होता है ये आपको हफ्ते में 3 दिन लेना है। आपको क्या करना है, एक गिलास पानी लीजिए, उसको आप गैस पे उबलने के लिए रख दीजिए, साथ ही उसमें थोड़ी सी अर्जुन की छाल होती है, लकड़ी होती है, उसको डाल दीजिए। छाल मतलब कि एक छाल सी, जो जैसे लकड़ी का जो छिकल सा टाइप का होता है वो होता है, उसको आपको डाल देना है। साथ ही जब इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाए, ये उबलने लग जाए, इसकी क्वांटिटी कम हो जाए, तो आप इसको ठंडा करके छान के पीजिए हफ्ते में 3 दिन। ऐसा कीजिए, इससे आपके हृदय को मजबूती मिलेगी। साथ ही लौकी का जूस भी बहुत कारगर होता है हृदय के रोगियों के लिए। साथ ही दालचीनी, जी हाँ, वो भी लकड़ी की ही तरह होती है, दालचीनी होती है, वो मसालों में हम देखते हैं इस्तेमाल होती है, तो उसका भी आपको काढ़ा बना लेना है, वो भी आपको सेवन करना है। ये तीनों बहुत अच्छी चीज़ है आपके हृदय को मजबूती देने के लिए। साथ ही आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर्फ आपको इस तरह, देखिए शोल्डर रोटेशन करना है, इस तरह आपको शोल्डर रोटेशन करना है। जब आप शोल्डर रोटेशन करेंगे इस तरह, आपको 50 बार करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ ही उल्टा रिवर्स भी आपको कर लेना है, इस तरह आपको करना है। साथ ही क्या करना है, आपको कम से कम 50 बार इस तरह ताड़ासन करना है। मैं बैठ के बता रही हूँ, आपको खड़े हो जाना है और इससे
अपनी उंगलियों को इसे इंटरलॉक कर लेना है और पाम जो आपकी हथेली है वो बाहर की साइड रहेगी। इस तरह इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है और नीचे लाना है। इस तरह ऊपर लेके जाना है और नीचे लाना है, खड़े होकर करना है, मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह ऊपर और नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सहेल में नीचे। जब आप ये करेंगे, ये दोनों एक्सरसाइज करेंगे, शोल्डर रोटेशन और ताड़ासन, तो इससे क्या होता है कि जो आपके हृदय के आसपास जो बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, एक तो वो रिलीज़ होगा, साथ ही आपके जो आपका जो हार्ट है उसको ऑक्सीजन मिलेगी, प्लस आपके जो हृदय को ब्लड सप्लाई होगा वो भी बहुत अच्छे से। इसलिए आपको ये दो ही क्रिया करनी है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी योग से संबंधित, रोग से संबंधित वीडियो लेकर आती रहूँगी। हरिओम।